दोस्तों BSNL का मात्र 80 रुपये में मिलने वाला सिम जो कि पूरा BSNL मेला लगा चुका है और ये लाइव प्रूफ पहले आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसकी फुल डिटेल्स। BSNL की नई सिम पर एक और खास ऑफर, BSNL की नई सिम पाएं केवल 80 रुपये में। तो दोस्तों ये 80 रुपये का मात्र सिम कार्ड आपको कैसे मिलेगा इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि BSNL बहुत ही तेज़ी से टाटा से मिलकर अपने जो है सिम कार्ड को और अपने नेटवर्क को बहुत ही तगड़ा करने वाला है। और सिम कार्ड और नेटवर्क और आपका रिचार्ज इतना सस्ता होने वाला है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 15% और अपने रिचार्ज प्लान्स को BSNL सस्ता कर दिया है। और इससे ज़्यादा और सस्ता होने वाला है, क्योंकि जो स्टारलिंक है एलन मस्क का, अमेरिका के एलन मस्क का स्टारलिंक, उससे जो है BSNL और टाटा तीनों लोग मिलकर अपने सिम कार्ड को बहुत ही तगड़ा करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं BSNL के मेला के बारे में कि 80 रुपये में सिम कार्ड कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और किस जगह आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि BSNL का न्यू सिम कार्ड की प्राइस और सबसे पहले रिचार्ज की बात करते हैं। तो इस वक्त BSNL का नया सिम कार्ड यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला रिचार्ज आपको 249 रुपये मिलेगा। आप यदि कीपैड फ़ोन के लेंगे तब भी आपको यही ऑफर मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कमीशन लोगों को मिलता है, ये आपको पता है। तो 249 रुपये के रिचार्ज में आपको मिलेगा 2 GB डाटा प्रतिदिन, वो भी 45 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो हम आपको बता दें यदि आप नज़दीकी अपने BSNL के स्टोर दुकान पे जाते हैं या BSNL के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो वो लोग इस वक्त क्या करते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम है। जैसे कि एयरटेल जियो की दुकान आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा लेकिन BSNL का कम मिलेगा। यदि जिसके पास ईटाप है BSNL का, वो सिम कार्ड पैसे को बढ़ा कर दे रहा है, यानी आपसे पूरे 250 रुपये चार्ज करेगा तब आपको सिम कार्ड देगा। हो सकता है कि 200 रुपये में भी दे दे, लेकिन हो सकता है, लेकिन जो 80 रुपये 100 रुपये में सिम कार्ड को दे रहे हैं वो है कैंप वाले, और कैंप वाले के माध्यम से लिंक है डिस्ट्रीब्यूटर लोग। तो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर लोग हुए वो कैंप लगाकर अपने सिम कार्ड को तेज़ी से बेच रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कंपनी का भी जोर है, कंपनी भी इनको टारगेट कर रही है कि आप हमारे सिम कार्ड को कम से कम पैसे में बेचिए, क्योंकि हम आपको FRC पे कमीशंस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कमीशंस मिल रहा है तो कैंप वाले 80 रुपये 100 रुपये में आपको 250 रुपये रिचार्ज कर 2 GB डाटा प्रतिदिन 45 दिन के लिए दे रहे हैं और आप मज़े ले रहे हैं। और जहाँ पे कम दुकान है तो दुकान वाले आपसे 200-250 रुपये चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कमाने की कोशिश है और कमाने का लहर है तो कमा रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग BSNL में पोर्ट करा रहे हैं, न्यू सिम कार्ड ले रहे हैं, तो क्या आपको भी सिम कार्ड लेना चाहिए? उसके लिए आप सबसे पहले अपने एरिया का नेटवर्क को पता करिएगा और आपके आसपास जितने भी यूजर्स हैं, एक दो यूजर्स उनका नेटवर्क जाकर पूछेगा कि भैया नेटवर्क तो छोड़ता उड़ता नहीं है ना, तो नहीं छोड़ता, इंटरनेट चलता है, तो भैया आपका 3G नेटवर्क जियो के 4G नेटवर्क को भी टक्कर दे रहा है, क्योंकि स्पीड बहुत तगड़ा है। स्क्रीन पर आप देखिए लाइव प्रूफ। तो इस प्रकार से BSNL का न्यू सिम कार्ड प्राइस है, और सिम कार्ड लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड है और आपकी उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है तो आप नज़दीकी BSNL स्टोर, BSNL कैंप या BSNL की दुकान पर जाकर अपने सिम कार्ड को ख़रीद सकते हैं, और पोर्ट कराना चाहते हैं तो पोर्ट भी करा सकते हैं। पूरी डिटेल्स हमने आपको बता दिया, न्यू सिम कार्ड आपको तुरंत मिल जाएगा। और यदि आपके उसमें नेटवर्क नहीं आता है तो थोड़ा वेट करना है, क्योंकि नेटवर्क में एक्टिवेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और उसको एक्टिवेट कैसे करना है मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा।